आखिर क्यों हुआ भाजपा के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज? आपको बता दें, निजी प्रोग्राम मना रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, 10 लोगों पर किया मुकदमा दर्ज। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मजोला क्षेत्र निजी बैंकेट हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक निजी प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। परमिशन न होने पर मजोला पुलिस ने निजी प्रोग्राम को रद्द कराकर भाजपा के 10 नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मजोले थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ता ने नाराज होकर मजोला थाने का किया घेराव। वहीं 2 से 6 तक पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बिठाया थाने, जिसकी जानकारी नगर विधायक को लगी। वहीं नगर विधायक ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया, आप सभी लोग थाने से वापस आ जाओ, हम थाना मजोला इंचार्ज से बात कर लेंगे। सवाल यह है कि जब भाजपा कार्यकर्ताओं पर ही पुलिस मुकदमा करेगी तो फिर आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी? अंकुर भारद्वाज नाम है मेरा। क्या पता? मैं पूर्व में महानगर में भाजपा युवा मोर्चा में महानगर मंत्री रहा हूँ। किसका मुकदमा लगाया गया पुलिस ने? ये हमें जो है SPCD साहब ने अपने वहाँ बुलाया था कार्यालय पे बात करने के लिए, तो हम वहाँ गए, उनसे जो है बात हुई, बातचीत, उन्होंने दोनों पक्ष की जो है बात सुनी, वहाँ पे बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने वो दिया, समय दिया कि आप जो है 10 मिनट रुकिए, हम आपस में वो करते वार्ता करते हैं। दूसरा पक्ष तुषार हुआ है, विश्वास है, जो दूसरी हुआ है कमेटी है। हाँ, उसने दिखाया मुकदमा। वो जो है विरोध कर रहा है इस चीज़ का कि ये पूजा ना कर पाए दूसरी कमेटी जी। फिर उसके बाद उनसे कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये जो है शासन का जो है आदेश है, उसके नियम से हम आपको पूजा की परमिशन नहीं दे सकते, आप घर बैठ जाओ, आप जो है घर जाइए। इतनी बात हुई, हम वहाँ से आ गए। उन्होंने एक पेपर पे हम सबके वो लिए थे, नाम लिए थे, नाम और जो मोबाइल नंबर। कल हमारे पास जो है सब पे वो आए, फ़ोन आए, नाम एड्रेस, पिताजी का नाम वो लिया। आज सुबह वो लगा मालूम कि हम पे जो है मुकदमा हो गया। अभी मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा आप भी वहीं थे, आप बताइए कोई हमारे द्वारा कोई बदतमीजी हुई हो या हमने शोर शराबा किया हो, तो इस बात पर वो जो है चुप हो गए। मैंने कहा आप किस वजह से हमें अपराधी बना रहे हो कि हम अपनी बात, उन्होंने बुलाया तो हम वहाँ गए, इस बात के अपराधी हैं? पूजा करने को लेकर से मुकदमा किया गया है जी? पूजा करने को नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बहस भी नहीं हुई। कितने समय से किस के ऊपर मुकदमा हुआ? ये 10 लोगों पे हुआ है मुकदमा, हुआ है 10 में, जो कमेटी के वह अध्यक्ष हैं उन पे हुआ है, जो मंडल अध्यक्ष हैं संजीव चौहान जी लाइन पर मंडल अध्यक्ष, उन पे हुआ है, मुझ पे और अन्य, मतलब कमेटी के ही हुए हैं लोग, हैं सब भाजपा समर्थक जी। हम यहाँ पे 2 बजे से बैठे हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है जो है, और जो है यहाँ पे थाने में वो बदतमीजी कर रहे हैं, बोले कि, और मतलब गलत वो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमने देख लेंगे कह के वहाँ पे कहा, जबकि मैंने कहा वहाँ पे अगर कोई वीडियो हो या कुछ भी हो, मैंने कहा आप बताइए आपके सामने हमने ये शब्द कहे, तो उस बात पे इंस्पेक्टर साहब जो है चुप हो गए। विधायक जी की बात संजीव जी से हुई है कि कल जो है सभी के जो है मुकदमे जब वापसी हो जाएंगे जी। एसओ साहब तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक जो है तरीका है, हम भेजेंगे फिर वहाँ से वो हटेगा ना मटेगा। हाँ, टालम टूली कर रहे हैं। मेरा नाम विभाष चंद्र है, ठीक है, मैं सर्वजन उन्नयन समिति का अध्यक्ष हूँ। हमने दुर्गा माता की पूजन के लिए परमिशन मांगा था, ठीक है, माननीय ADM CT साहब ने और SP साहब ने, CO साहब ने हमें बुला के बोला कि आपकी पूजा नहीं हो पाएगी, आपकी नई परंपरा है, आप पूजा नहीं करा पाओगे। तो हम वहाँ से जो है, जैसे उन्होंने मना करा, हम वहाँ से आ गए कि ठीक है सर, अगर आप नहीं बोलेंगे तो ठीक है हम जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें आज पता चला कि हमारे 10 लोगों के खिलाफ जो है 107, 116, 151 में मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज हमारे मजोले थाने से हुआ है। शिकायत की तहरीर में हमें कोई जानकारी नहीं दी है, बोला कि मुकदमा कर दिया कि अधिकारियों के कहने से हुआ। कितने लोगों मुकदमा? 10 लोगों के खिलाफ किया है, जिसमें हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री संदीप चौहान भी थे, ये अंकुर भारद्वाज जी है, बाकी हमारे जो बंगाली समाज के भी लोग हैं और वैसे भी लोग हैं। दुर्गा पूजा कितने समय से होती आ रही है? दुर्गा पूजा ये लाखों करोड़ों वर्षों की परंपरा है, कोई नई परंपरा तो है नहीं, ठीक है, इससे पहले भी कहीं ना कहीं कराते हुए आ रहे थे मुरादाबाद में। इसके अलावा भी 5-7 पूजा और होती है, ठीक है, सिर्फ हमारे इस पे ही, हमें तो ऐसा लगता है कि कोई
मतलब व्यक्तिगत कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी पूजा ही ना होने दिया जाए। हमें तो इस बात की आशंका है कि हमारे खिलाफ कोई इस तरह का कोई कर रहा है कि इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 2 बजे से बैठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी माता रानी की पूजा जरूर हो, नहीं तो हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ करेंगे पूजा। कैंसिल हो गई क्या? नहीं, पूजा अभी तो प्रशासन द्वारा बोला गया है कि नहीं करोगे, लेकिन बाकी सभी लोगों का कहना है कि भाई पूजा नहीं करेंगे तो हम क्या, हम हिंदू धर्म में रहते हुए अगर देवी माँ की पूजा न कर पाए तो हम क्या अपना धर्म परिवर्तन कर दें? पूजा कहाँ हो रही है? ये पूजा तिरंगा बैंक्वेट हॉल लाइन पार मझोला। अब यहाँ पे मुकदमा लेने को कह रहा है? नहीं, अभी फिलहाल तो यही बोला है कि मुकदमा वापस ले लेंगे। ठीक है, सभी पे सभी की मुकदमा वापसी के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है।